एडवोकेट राधिका थापड़ जी हमारे साथ हैं इस वक्त। हम उनसे जानेंगे कि मैम सैरोगेसी के खिलाफ जो यहाँ पर आज ये लोग पक्ष रख रहे हैं, आपके हिसाब से सैरोगेसी को किस नज़र से देखना चाहिए? हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहूँगी सरोगेसी तो सरकार ने भी माना है कि ज़रूरत है, तभी अगर आप देखेंगे तो सरोगेसी बिल में उन्होंने सरोगेसी करने का प्रावधान तो रखा है, लेकिन जो प्रोविजंस बना दिए हैं वो इस तरीके के बना दिए हैं कि सरोगेसी हो ही नहीं पाएगी, लोग अपना बच्चा कैसे कर पाएंगे। आज के टाइम में भी ये प्रोविज़न है कि आप अपने घर के सदस्य को सरोगेट बना सकते हैं। मुझे करीबन 10-12 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने जब स्टार्ट किया था लोगों को सरोगेसी के बारे में, इसके कानून के बारे में कोई पता नहीं था, तो इन रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में तब से मेरी जद्दोजहद स्टार्ट हो गई और मैंने पता किया क्या होता है, कैसे होता है भारत में, इसका इसके बारे में क्या है। तो मेरे हिसाब से मुश्किल से मैंने अपने पूरे 10-12 साल में 2-3 फैमिलीज़ में देखा होगा कि कोई आगे आया। तो मैं ये नहीं कहती कि आप इसको बैन करें, अगर परिवार भी अपने मन से चाहता है किसी की मदद करना, लेकिन इतने छोटे परिवार हो चुके हैं, अडॉप्शन फेलियर हो चुका है विद इन द फैमिली। आप अगर देखें बच्चा बड़ा हो जाता है वो एक टग ऑफ वॉर बन जाता है, बहनों से बच्चा लिया हो या फैमिली से बच्चा लिया हो। इसीलिए जो साइंटिफिक प्रोग्रेशन हुआ कि आज की डेट में आप अपना बच्चा कर सकते हैं, चाहे आपको कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी है कि जिससे आप बच्चा कैरी नहीं कर सकते खुद, तो आप सरोगेसी को कर सकते हैं। सिंगल लोग हैं जो अपना बच्चा चाहते हैं, देश विदेश में वैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि पेरेंटिंग जो होती है ये एक मानसिक स्थिति भी होती है। आप कईयों को अपना बच्चा ही चाहिए, ठीक है, और कईयों को गोद लिया बच्चा भी। ये अडॉप्शन और सरोगेसी को लेके हम कंपेयर नहीं कर सकते। सरोगेसी के मुद्दे को अगर हम देखें कि परिवार में कौन, आप अपनी माँ क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो कौन रह जाएगा? आपकी सेम जनरेशन, आज की जो गाइडलाइंस है उसमें कहते हैं कि अगर आपने सरोगेट लेनी है तो आपकी सेम एज का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रैंड मदर को नहीं ले सकते, आप अपनी मदर को नहीं ले सकते, किसके पास आप जाएंगे? आप जाएंगे तो अपनी बहन के पास जाएंगे, अपनी भाभी के पास जाएंगे। कितने परिवारों में इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप है या इतना है कि वो आगे आएंगी? दूसरा बात, अनब्याही बहन को आप चाहेंगे वो आपके लिए पहले सरोगेट बने, फिर क्या आप चाहेंगे कि आप आपकी भाभी को इतना मजबूर करें कि आपको बच्चा नहीं है कि वो आपको बच्चा दे दे? चाह के अनचाहे प्रेशर्स आने शुरू हो जाएंगे बहुओं पर, डोमेस्टिक वायलेंस एक नया रूप ले लेगा। ऑलरेडी 1-2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस सरोगेसी, जब वो उन्होंने इस बहुओं ने कहा कि हमें पुश किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऊपर से प्रोविजन बना दिया कि इनफर्टाइल कपल को सर्टिफिकेट लो पहले कि ये इनफर्टाइल है। ये बात तो गुप्त होती है, इसको तो गुप्त रोग भी बोलते हैं, इसको तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। अब लोगों को आके आप बोलो जी मुझे पहले एक सर्टिफिकेट देगा डॉक्टर कि तुम माँ अपने आप बांझ हो, तुम नहीं बन सकती हो, क्या ये टैबू नहीं? कहा हम कितने आगे बढ़ रहे हैं कि निकालो औरतों को, किसी भी तरीके का कोई कमेंट मत दो, किसी भी तरीके का कोई शोषण मत हो उन पे, फिर से हम आ गए हैं उस चीज़ में। और बहुत बार ऐसा होता है आप अपने ऐसे मुद्दे अपने परिवार में आप डिस्कस भी नहीं करते और आप खुश होते हो कि इतना साइंटिफिक प्रोग्रेशन हो गया कि आज हम कर सकते हैं। चलिए छोड़िए आज की बात, महाभारत में क्या है, सारा तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, कुंती पुत्र कैसे हुए, ठीक है, 100 पुत्रों का होना कैसे संभव है? जब हम रामायण को देखते हैं कि वहाँ पुष्पक विमान आज एरोप्लेन बन गए हैं, तो महाभारत की हर चीज़ें आज की डेट में हैं। तो ऐसा नहीं है कृष्ण बलराम का जन्म कैसा हुआ, वो कोक को दूसरी कोक में ट्रांसफ़र कर देना, तो ये सारी चीज़ें। और उस समय क्या, मुझे लगता है लोग ज़्यादा विकसित थे कि लोग इसको इज्जत, आज शायद हम ऐसे हो गए हैं किराए की कोक कर करके हमने इसको इतना बदनाम कर दिया कि लोगों को लगने लग गया कि ये कुछ एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। कितने साल पुराना हो गया, शायद आज इस बार हमने कितना रिपब्लिक डे जो अपना बनाया 1955 से हम अपनी ये गणतंत्र दिवस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ सारी मशीनरी का बना रहे हैं, तो क्या ख़त्म हो गया कि किसी तरीके से हम एक्सप्लॉयटेशन रोक नहीं सकते? मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हमने आज तक अभी ICMR में हम किसी ने RTI लगाई थी, कितनी औरतों का शोषण हुआ, कितनी कंप्लेंटें आपके पास आई मेडिकल काउंसिल, उन्होंने बोला आज तक 1 कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। तो जब तक हमने लीगल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, हम किस औरत को कैसे कोई मजबूरी से उठाकर अस्पताल में ले जाकर उसमें ईटी, मतलब ये सारी चीज़ों का हमें एक रूपरेखा हम बना सकते हैं कि किसी पे इन्फ्लुएंस ना हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है जैसे अमेरिका एक मुल्क है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मक्का मदीना है, वो इतना उनको वो करते हैं, ओपनली सरोग दे आर फॉर सरोगेसी, दे हैव डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म कि
एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया, इसका पैसा उसमें जाएगा ताकि कोई पैसे की हेरा फेरी ना हो। प्री पेरेंटल ऑर्डर, पहले किसी ने बुक कराया तो कोर्ट से एक उसको मिल जाता है, इसका सरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, फिर बच्चा डिलीवर हो जाता है, इसका सरोगेसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो दीज आर द नेशंस विच आर डूइंग इट राइट, एंड दे आर ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो बिलीव इन आर फंडामेंटल राइट्स। यूके है, यूके कहता है कंपनसेटेड सरोगेसी करो, कमर्शियल मत करो। सो सिमिलरली हम वो मैकेनिज्म, हम यूके से इतना हमने अपना कानून अडॉप्ट किया है, वहाँ से हम मैकेनिज्म, इतने सालों से उनका चल रहा है, हम वो मैकेनिज्म ले सकते हैं कि इस औरत को इतना ही पैसा मिलेगा इन इन चीज़ों, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो एक कमर्शलाइजेशन, एक कमर्शियल एंगल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पॉपुलेशन वर्गों में भी कम होती जा रही है, आपको पता है, अगर आपने कुछ दिन पहले आप पॉपुलेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कशन हुई थी NDTV में, वी द पीपल में, आई हैव हर्ड दैट इंटायर डिबेट, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट इवन हिंदू पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग राइट, पारसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन राइट, मुस्लिम पॉपुलेशन इज स्टेबलाइजिंग राइट, सो वेयर आर वी गोइंग, वी नीड पीपल, सो दैट इज वेयर वी वॉन्ट द गवर्नमेंट टू लुक इन टू, सो दैट द सरोगेसी बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम विचार विमर्श करें, थोड़ा ओपन माइंड से सोचें, थोड़े आज के समाज की ज़रूरतों को सोचें, थोड़ा ऐसा मीडियम एक्सप्लोर करें कि वेयर बैलेंसिंग हो सके, द इंटायर लॉ इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग एक्ट। या थैंक यू। सरोगेसी के खिलाफ यहाँ पर आज मोर्चा निकाला गया है, आपके हिसाब से सरोगेसी किस तरह से देखा जाए? सरोगेसी आजकल के अगर टाइम में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरोगेसी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, या तो सरकार अगर सरोगेसी को बंद करना चाहती है या रिश्तेदारी में करना चाहती है, या उनको लगता है कि कहीं सरोगेट मदर के साथ गलत हुआ है या कोई घटना घटी है, तो वो केस दिखाएं हमें। आज तक हमने ICMR से बात की है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, किसी भी सरोगेट के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है कि कोई एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जिसके कारण वो कहते हैं कि एक रिश्तेदारी में ही करना चाहिए। रिश्तेदारी में आजकल के ज़माने में कौन सामने आता है? कोई आपकी भाभी, कोई आपकी ननान, कोई आपकी देवरानी, कोई सामने नहीं आएगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि आपके घर में कोई माता पिता बने। और अगर वो कर भी देती है किसी प्रेशर में आके, फैमिली के उसमें आके, कभी भी वो प्यार जो है बच्चे को, वो दोनों तरफ से नहीं मिल सकता। फिर इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो क्लोज रिलेटिव का क्लॉज निकाला है बिल में, इसको चेंज किया जाना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो सरोगेट को कंपनसेशन ना देने का मुद्दा उठा है, सरोगेट 9 से 10 महीने अपने सारी नौकरी छोड़ के, अपना कामकाज छोड़ के किसी के लिए प्रेगनेंसी करती है, उस बात में हम चाहते हैं कि क्या उसको उस चीज़ की कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि उसके लिए एक कंपनसेशन फिक्स कर दी जाए कि हाँ, इतना अमाउंट एक सरोगेट को पेबल होना चाहिए जिसमें वो अपने परिवार का कुछ कर सके, अपने बच्चों के लिए अपने घर का कुछ बना सके। तो इसीलिए सरकार को इन मुद्दों पे सोचना चाहिए। और ये जो आज प्रोटेस्ट है, ये हमारी तरफ से पहला प्रोटेस्ट है, एंड हम ऐसे ही प्रोटेस्ट और आगे करते रहेंगे। मैं इस समय चंडीगढ़ से आई हूँ, और जहाँ पर मैं सरोगेट्स को डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ मिलवाते हैं, हम सरोगेट्स की वेरिफिकेशन करके उनको प्रोसेस में डालते हैं, और पूरे 9 महीने तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती, उसमें सरोगेट्स का हम ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये सरकार से हम जानना चाहेंगे कि वो किस बेसिस पे, ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो खड़े हुए हैं, जिनके बेसिस पे ऐसे बिल्स बना रहे हैं, हमें वो दिखाया जाए।